हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल ऑफ रेट्स एंड एनालिसिस ऑफ रेट्स ये टर्म्स पीडब्ल्यूडी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं इसलिए आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए और आपको इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए शेड्यूल ऑफ रेट्स और एनालिसिस ऑफ रेट्स कैसे डिफरेंट हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए आज हम वही पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग विथ शेड्यूल ऑफ रेट्स शेड्यूल ऑफ़ रेट्स ये एक टाइप का रेट बुक होती है जिसे पी डब्ल्यू डी मेनटेन करता है इस रेट बुक में उन वर्क्स का रेट लिखा जाता है जो वो डिवीजन ज़्यादातर करता है इस शेड्यूल की हेल्प से एस्टीमेट्स बनाए जाते हैं और जब कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएशन की जाती है किसी आइटम को लेके किसी वर्क को लेके तो इस शेड्यूल का यूज़ किया जाता है जो शेड्यूल ऑफ रेट्स में रेट लिखे जाते हैं वो एज पर मार्केट रेट होते हैं जो उस लोकेलेटी में रेट्स प्रिवेलिंग होते हैं उनको कंसीडर करके शेड्यूल ऑफ रेट्स में रेट मेंशन किए जाते हैं और शेड्यूल ऑफ़ रेट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है एज़ पर मार्केट कंडीशंस अगर मार्केट में रेट इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो उसी अकॉर्डिंग शेड्यूल ऑफ रेट्स में भी चेंजेस किए जाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होता है ये एक टाइप का शेड्यूल है रेट बुक है जिसे पीडब्ल्यू डी मेनटेन करता है और इसमें क्या इंडिकेट किया जाता है रेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दी वर्क्स डेट आर कॉमनली अंडरटेकन इन द डिवीजन नाउ एनालिसिस ऑफ रेट इट इज़ अ कम्पोनेंट वाइज ब्रेकअप ऑफ़ द रेट इंडिकेटेड फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क इन द शेड्यूल ऑफ रेट्स अगर सिंपल लैंग्वेज में करें तो एनालिसिस ऑफ रेट्स शेड्यूल ऑफ रेट्स की जस्टिफिकेशन होता है जो शेड्यूल ऑफ रेट्स में रेट्स मैंशन किए जाते हैं उनकी जस्टिफिकेशन एनालिसिस ऑफ रेट्स में मिलती है ये भी एक टाइप की रेट बुक की होती है लेकिन इसमें बस शेड्यूल ऑफ रेट्स की जस्टिफिकेशन होती है कि जो रेट्स शेड्यूल ऑफ़ रेट्स में मेंशन हैं वो कैसे बने फॉर एग्जांपल अगर शेड्यूल ऑफ़ रेट्स में एक आइटम ऑफ वर्क दिया हुआ है ए और बताया गया है कि इसको करने का जो रेट है वो थाउजेंड रुपीज़ है तो एनालिसिस ऑफ रेट्स में इस थाउजेंड रुपीज़ की जस्टिफिकेशन होगी कि कैसे इस वर्क को करने के लिए थाउजेंड रुपीज़ लगेंगे एनालिसिस ऑफ रेट्स में पूरी आइटम वाइज़ कंपोनेंट वाइज रेट्स मेंशन किए जाएंगे फ़ॉर एग्जांपल कि इतनी लेबर लगेगी इतना इलेक्ट्रिशियन का खर्चा पड़ेगा इतनी वेस्टेज होगी इतना कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होगा ये ये आइटम्स लगेंगी और उनकी इतनी इतनी क्वांटिटी होगी और इतना इतना रेट होगा तो इन सब का टोटल करके ये थाउजेंड रुपीज़ बना तो एनालिसिस ऑफ रेट में पूरा कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप दिया होता है रेट्स का जो शेड्यूल ऑफ रेट्स में रेट मेंशन किए जाते हैं उनका इसीलिए इसे बोलते हैं डिटेल्ड वर्किंग शीट शोइंग द क्वान्टिटी एंड वैल्यू ऑफ ईच इनपुट रिक्वायर्ड टू डू कंप्लीटली एन आइटम ऑफ वर्क किसी वर्क को करने के लिए कितने इनपुट्स लगेंगे उनकी कितनी क्वांटिटी और वैल्यू लगेगी उसकी पूरी एक वर्किंग शीट बनाई जाती है जिसे हम एनालिसिस ऑफ रेट्स बोलते हैं इसीलिए एनालिसिस ऑफ रेट्स को कहा जाता है कि ये शेड्यूल ऑफ रेट्स को सपोर्ट करता है सप्लीमेंट करता है मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे शेड्यूल ऑफ रेट्स बनता है और कैसे एनालिसिस ऑफ रेट्स बनते हैं तो आपको बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमारा शेड्यूल ऑफ रेट्स है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवीज़न का एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर आइटम नंबर और वर्क की डिस्क्रिप्शन साथ में उसका लेबर रेट और थ्रू रेट लेबर रेट वो रेट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ अपनी लेबर प्रोवाइड करता है मटेरियल डिपार्टमेंट का होता है थ्रू रेट वो होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का ही मटेरियल होता है और कॉन्ट्रैक्टर की ही लेबर होती है तो इसलिए थ्रू रेट हमेशा लेबर रेट से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे आइटम नंबर टू ये वर्क की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये वायरिंग होगी इतनी यहाँ पे अर्थिंग पॉइंट लगेगा ये चीज़ें लगेंगी इसमें बताया हुआ है इतने स्विचज़ लगेंगे ये सब कुछ चीज़ें इसमें बताई हुई है ये वर्क है तो यहाँ पे जो मेंशन किए हुए हैं रेट्स ये अलग अलग बिल्डिंग्स के हैं ग्रुप ए बिल्डिंग्स का रेट अलग दिया हुआ है ग्रुप बी बिल्डिंग का अलग दिया हुआ है ग्रुप सी बिल्डिंग का अलग दिया है तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ग्रुप सी बिल्डिंग का रेट ग्रुप सी बिल्डिंग का जो थ्रू रेट है वो दिया हुआ है नाइन हंड्रेड फोर्टीन रुपीज़ और लेबर रेट दिया हुआ है थ्री हंड्रेड एलेवेन रुपीज़ तो हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं अभी थ्रू रेट यहाँ पे हमें वर्क दिया हुआ है वर्क की डिस्क्रिप्शन दी हुई है और बताया गया है ग्रुप सी बिल्डिंग के लिए इसका रेट क्या है नाइन हंड्रेड फोर्टीन रुपीज़ ये है शेड्यूल ऑफ़ रेट्स अब अगर हम इसी का एनालिसिस ऑफ रेट देखेंगे तो एनालिसिस ऑफ रेट में वर्क डिस्क्राइब किया होगा फिर टाइप ऑफ बिल्डिंग भी बताई हुई है कि ग्रुप सी में लग रहा है ये और अब इस वर्क में जो जो आइटम्स लगेंगी उनका पूरा रेट दिया होगा कितनी क्वांटिटी लगेगी और उनका पर यूनिट रेट दिया होगा और फिर टोटल अमाउंट दी होगी तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सभी मटेरियल्स मेंशन किए गए हैं कि ये ये मेटीरियल लगेगा और उनकी रेट्स दिए हुए हैं और क्वांटिटी बताई गई है कितनी क्वांटिटी होगी और फिर अमाउंट कैलकुलेट की हुई है ऐसे इस वर्क को करने में जितनी भी वेस्टेज हो रही है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं कितनी लेबर लग रही है जैसे इलेक्ट्रीशियन मेसन पेंटर कितने दिन वो काम करेगा और पर डे का उसका रेट क्या है वो सब कुछ इसमें मैंशनड है तो इसका जब हम टोटल किया करेंगे तो ये मिलेगा हमें नाइन हंड्रेड फोर्टीन रुपीज़ तो आप देख सकते हो शेड्यूल ऑफ रेट्स में वर्क की एक कंसोलिडेटेड अमाउंट बताई हुई थी कि अगर आप ये वर्क करवा रहे हो तो नाइन हंड्रेड फोर्टीन रुपीज़ लगेंगे लेकिन एनालिसिस ऑफ रेट में उसकी जस्टिफिकेशन दी गई है कि नाइन हंड्रेड फ़ोर्टीन रुपीज़ कैसे लगेंगे तो इसमें बताया गया है कि इतनी आइटम्स लगेंगी इतनी इतनी क्वांटिटी लगेंगी और पर यूनिट रेट दिया हुआ है और उ, उस अकॉर्डिंग हमने इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लिया और इसमें शो किया गया है कि उतनी अमाउंट लगेगी जितनी शेड्यूल ऑफ रेट्स में बताई गई थी यानी कि शेड्यूल ऑफ़ रेट्स में भी नाइन हंड्रेड फोर्टीन है तो एनालिसिस ऑफ़ रेट में भी नाइन हंड्रेड फोर्टीन होगी बस शेड्यूल ऑफ़ रेट्स में एक अमाउंट होती है लेकिन एनालिसिस ऑफ रेट में पूरी कंपोनेंट वाइज उसका ब्रेकअप किया होता है कि कैसे कैसे क्वांटिटीज लगेंगी और कितनी अमाउंट बनेगी आई होप आपको अब डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एनालिसिस ऑफ रेट और शेड्यूल ऑफ़ रेट्स बोथ आर डिफरेंट बट एनालिसिस ऑफ रेट सपोर्ट्स शेड्यूल ऑफ रेट्स तो आज के लिए इतना ही था थैंक यू